आवानी 24 की न्यूज का हुआ असर। सिकरा है, राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आगे निकलता पानी। करीब दो महीने से पीएचडी की टूटी लाइनों से लगातार हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहा। नजदीकी अस्पताल में भी रोजाना मरीजों का तांता लगा रहता था। फिर प्रशासन की और इस बहते हुए व्यर्थ पानी पर कोई भी नजरबंद कार्य नहीं किया गया। साथ ही 3-4 महीने से जो लगातार हजारों लीटर पानी बह रहा था, मोहल्लों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। जो आमजन है इस परेशानी से जूझ रहा था। इसी बीच हमारे संवाददाता अमित शर्मा के अथक प्रयासों से आज AEN के बताए अनुसार लाइन को सही कराने का कार्य संपन्न किया गया। खबरों के साथ लगातार बने रहिए आवाज न्यूज 24। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे अस्पताल के आगे आए दिन जैसे कि हादसे भी आते हैं और वहां पे आपकी लाइन जो है लीकेज पड़ी हुई है, जबकि वहां से पानी निकल रहा है बार बार, एक बाईपास पे है अपने कलीकोटी चौराहे पे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो एक बार उसको दिखवा लेते हैं, वो कनेक्शन का लीकेज है, हमारी पाइपलाइन का लीकेज है। अगर कनेक्शन का है, कोई कंज्यूमर का है, तो उसको कंज्यूमर को करवाना होता है ना, हमारी लाइन का हुआ तो एक दो दिन में उसको सही करवाने में। सर वहाँ पे जो कंज्यूमर है वो बोल रहे थे कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं, अस्पताल विभाग से बात की थी। पुराने कनेक्शन है और उनमें से कोई कनेक्शन हुआ, पुराने कनेक्शन है जो डेट पड़े हुए हैं, वो कई बार उनके भी लीकेज होते हैं, पाइपलाइन खराब हो चुकी होती है, तो वो जो भी है एक दो दिन में दिखवा के उसको सही करवा देंगे। ये कब तक सही हो जाएगा सर? एक दो दिन में करवा देंगे। चलो।